नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी इस वक्त की खबर आ रही है। काउंसलिंग कल से, वरीयता और रिक्त पदों की सूची आज होगी जारी। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 15,000 शिक्षकों से पहले लेवल वन में चयनितों को मिलेगी पोस्टिंग। जी हां, राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए पिछले महीने हुई चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 15,000 शिक्षकों की पोस्टिंग से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग ने लेवल वन में चयनित 19,000 शिक्षकों के पद स्थापन के लिए काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित जिला परिषद की ओर से 20 से 22 सितंबर तक उनकी काउंसलिंग की जाएगी। वहीं 10 अगस्त को हुई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 15,000 शिक्षकों को अब पोस्टिंग इस काउंसलिंग के बाद ही मिलने की संभावना है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 6-3 के तहत शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन नहीं कर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूलों के रिक्त पदों को शामिल करते हुए नव चयनित शिक्षकों को पोस्टिंग देने का निर्णय लिया है। वहीं 12वीं और स्नातक इंग्लिश मीडियम से उत्तीर्ण एवं नए चयनित अभ्यर्थियों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी लगाया जा सकेगा। ऐसे में अब नव चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के जरिए स्कूलों में पद आवंटित होने के बाद रिक्त हुए पदों पर चयन से चयनित हुए शिक्षकों को पोस्टिंग की जाएगी। शिक्षक भर्ती 2022 लेवल वन के चयनित सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 सितंबर से होगी। वरीयता व रिक्त पदों की सूची 19 सितंबर को घोषित की जाएगी। ऐसा कहना है सुरेंद्र सिंह भाटी, DO प्रारंभिक का। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग के लिए शिक्षकों ने तैयारी कर लिखित परीक्षा पास की है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि सीधी भर्ती की काउंसलिंग के तुरंत बाद इन्हें पोस्टिंग का अवसर दिया जाए। महेंद्र पांडे, महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का यह कहना है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।